हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि वो सेल्फ ट्रेड नहीं ले पाते हैं, खुद से उनको ट्रेड लेने में डर लगता है। मैं जो लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ कई बार उसमें भी वो डर जाते हैं और डर के वजह से ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो डर का मेन जो रीज़न है वो होता है आपका प्रैक्टिस ना होना या फिर आपको चीज़ों के बारे में सियोरिटी ना होना। जब आप एक चीज़ के ऊपर में श्योर हो जाएंगे ना तो आपका डर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम जाएगा और आप आराम से एंट्री ले पाएंगे, सही जगह पे एग्जिट ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल का चीज़ बताने वाला हूँ। इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका डर यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप खुद से भी अच्छे अच्छे जगह पे एंट्री ले पाएंगे और प्रॉफिट कर पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है, बैंक की निफ्टी क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी, मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं लेवल दिखाता हूं, लेवल वगैरह सब कुछ आप सही से समझेंगे, उसके बाद में और भी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये प्रकाश ट्रेडिंग के नाम से जो मेरा चैनल है, जो टेलीग्राम के ऊपर मैं चैनल है, आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे मैं आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करता हूं बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम पे तो जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आप खुद की भी लर्निंग कर पाएंगे, सीख भी पाएंगे और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो 9:04 पे मैंने मैसेज किया हुआ है कि गुड मॉर्निंग ट्रेडर करके अपडेट किया मैंने, और उसके बाद में 9:18 पे मैंने 34,100 का कॉल। ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ आपको ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैंने कितने में दिया, वो कहां तक गया, यहां पे आपको एक सीख भी मिलेगा, लेवल्स का सीख मिलेगा, फिर चार्ट पे चल के आपको हर एक चीज तो दिखाऊंगा ही। तो 34,100 का कॉल मैंने 295 में दिया। ठीक है, इसका लेवल आप देख सकते हो बढ़ते गया, 305, 310, 315, 320 तक ये गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक अपडेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 33,910 का। ठीक है, 33,910 से ऊपर मार्केट जैसे ही जाएगा अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने क्या लिखा, मोर अपसाइड मूव पॉसिबल अबव 33,910। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों अपडेट किया ये चीज़ भी आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर में ले जा करके। और आप वहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, 330, 335, ठीक है, 295 वाला प्रीमियम जो 320 के आसपास आकर के रुका था, मैंने अपडेट किया, जैसे ही लेवल जो है क्रॉस किया है यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट किस तरह से देखने को मिला है। सो 295 से 355 तक का हमारा प्रीमियम जो है वो जा चुका है। मैंने 60 पॉइंट प्रॉफिट इन्जॉय करने के लिए बोला। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक मैंने यहाँ पे एक लेवल जो है वो पोस्ट किया है जो कि 33,970 से लेकर के 34,010 तक का है। मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इफ सस्टेन अबव न्यू हाई पॉसिबल। ठीक है, मार्केट इसको भी क्रॉस किया है, आप देख सकते हो 33,970 से 34,010 मैंने बोला और मार्केट वहां पे क्रॉस किया और 360, 365, 370, ठीक है, फोकस ऑन दिस लेवल मैंने बोला, लेवल को क्रॉस किया मार्केट और देख सकते हो आप किस तरह से मूवमेंट हमको देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 295 से लेकर के 450 तक हमारा जो प्रीमियम है वो मूव किया है, यानी 155 का हमको प्रॉफिट देखने को मिला। कुछ लोगों के मैंने यहाँ पे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अब हम आते हैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर में, आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो मार्केट का जो लो था वो 33,658 का था, जिस तरह से मैंने लेवल्स दिए थे 34,100 का, तो 34,100 का आप यहाँ पे प्रीमियम देख सकते हो क्लोज कितने में हुआ है, 34,100 570 रुपये में क्लोज हुआ है। ठीक है, मार्केट यहां पे मैंने बोला हुआ था जो 34,010 तक का जो रेजिस्टेंस वाला जोन उसको क्रॉस किया है मार्केट और 34,276 तक गया है। ठीक है, क्या क्या होते हैं चार्ट के अंदर में, कैसे आपको चार्ट देखना चाहिए और कैसे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलिए उसको क्लियर करता हूं। व्यू चार्ट पे यहां पे क्लिक किया मैंने, तो यहां पे आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पे चार्ट खुला हुआ है, कंप्लीट नेकेड चार्ट है, यहां पे कुछ भी चीजें नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से यहां पे मूव कर रहा है, एक बार आप सही से देखोगे तो देखोगे, देखो इस वाले जगह से मार्केट फटाफट उठा है, बैक टू बैक जो ग्रीन कैंडल है वो बने हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा हाई गया है। ठीक है, यहां पे आप देखो 33,960, ठीक है, 33,960 से मार्केट उठते उठते कहां तक गया है, 34,286 तक। तो ये लेवल्स हमको कैसे पता चलेंगे, अभी तो बंद है मार्केट, हमको कैंडल्स दिख जा रहे हैं तो हम समझ गए हाँ भाई 33,960 से मार्केट इतना उठा है, लेकिन ये हमको ये पता कैसे चलेगा। ठीक है, वो पता करने के लिए आपको एक कमाल का चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां पे देखिए मैं क्लिक करता हूं और यहां पे सर्च करता हूं पीवेट पॉइंट। ठीक है, आपको भी सर्च कर लेना है इसी तरह से पीवेट पॉइंट, प्रैक्टिस करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो पीवेट पॉइंट मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, ओके किया,
अब देखो यहाँ पे कुछ हमको लाइंस देखने को मिल रहे हैं, ये हमारा लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, सभी ये रेड रेड कलर के लाइन है, और ऊपर में आप देखोगे थोड़ा सा हमको अलग कलर का लाइन देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं और यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमको लाइन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है, आप लाइन को देख करके पूरा कन्फ्यूज़ हो गए होगे कि भाई इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो यही आपको मार्केट के अंदर में लेवल्स जो है वो बना करके देता है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो आपको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए सबसे पहले तो ड्रॉ करना भी सीखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रॉ करना भी, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन सपोज मान लीजिए ड्रॉ करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे, बट अगर मान लीजिए ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चलता हूँ 9:15 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 9:15 का टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 का टाइम फ्रेम है 20 तारीख यानी कि कल का, ठीक है। कल का ही मैंने आपको अपडेट दिखाया था, ये आप देख सकते हो 20 तारीख, ठीक है, कल का अपडेट है। यहाँ पे देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, मार्केट जो खुला है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँगा ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट खुला है 9:15 के आसपास में, ठीक है। एक कैंडल का जो ये विग है ये नीचे की तरफ में है, कहाँ पे है ये, 33699 मतलब 700 के आसपास, ठीक है। ये कैंडल क्या करता है, फटाफट ऊपर लेता है, और ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेड कलर का आप लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा एक सपोर्ट लाइन था पहले, बाद में ये रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में एक कैंडल हमको ऊपर के तरफ में दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप 1 मिनट में देखोगे और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेवल्स के लिए आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको क्रॉस किया मार्केट, और इसके ऊपर में जो एक कैंडल बनाया है ना, पूरा बड़ा सा कैंडल बना है, और ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। तो जब भी ग्रीन कलर का कैंडल बने तो हमको मार्केट बुलिश जो है वो समझ में आ जाता है, और एकदम बड़ा बड़ा कैंडल है। देखो पहला कैंडल भी ग्रीन कलर का ही था, दूसरा कैंडल भी ग्रीन कलर का है, दोनों कैंडल ग्रीन है और बड़े बड़े कैंडल हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज समझ में आ जाता है कि मार्केट यहां से बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है, हम इस जगह में ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। 33800 के आसपास हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, यहां पे हमने एंट्री लिया, वहां से आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहां पे मूवमेंट जो है वो मार्केट किया है। उसके बाद में हमको लेवल्स जो है वो देखने हैं, तो लेवल्स के लिए आप देख सकते हो 34000 का जो लेवल है, ठीक है, मैंने पोस्ट भी किया था, एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं जो लेवल मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। एक बार आपको सही से दिखाऊंगा तो आपको क्या समझ में आएगा, प्रैक्टिस भी आप आराम से कर सकते हो। देखो 33970, एक बार मैं आपको सही से दिखाता हूँ, यहाँ पे 33970 से 34010 का मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया हुआ था, यहाँ पे फोकस ऑन दिस लेवल मैंने बोला हुआ था। अब यहाँ पे आपको चार्ट में लेकर के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, एक सेकंड मैं इसको वापस से लेकर के आता हूँ टाइम फ्रेम के अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 9:15 का टाइम फ्रेम आ गया। अब आप यहाँ पे देखो तो हमको यहाँ पे जो कैंडल बना है, ठीक है, जैसे ही हमारा ये जो एरिया है इसको क्रॉस किया है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, 9:15, 9:18 के आसपास में। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 34007 का, समझ रहे हो आप, 34010 पे मैंने बोला हुआ था, 34010 मतलब 33970 से 34010 मैंने बोला था, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद में आप देखो ये लेवल को किस तरह से मार्केट क्रॉस किया, थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनाना मार्केट स्टार्ट किया, यहाँ पे हम अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, एकदम बड़ा सा एक जो है हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, डायरेक्ट ये 34010 को तोड़ करके ग्रीन कैंडल बनाया है, और जैसे इसको तोड़ दिया हमारा अभी ये सपोर्ट वाला जोन बन जाएगा, पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको तोड़ करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब ये अभी बन जाएगा हमारा सपोर्ट का जोन, ठीक है। मतलब हम जो एसएल रखेंगे यहाँ के आसपास, इसके आसपास में रखेंगे, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ है कंफर्म होते के साथ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से आता है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है बट ज़्यादा नीचे जाता नहीं है, 970 का मैंने बताया था, तो 950 के आसपास जाता है, वापस से इस लेवल को तोड़ता है, और कितना बड़ा मूव देता है देखो ऊपर के साइड में, ठीक है। 270 का यहाँ पे वापस से एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है, उसको भी मार्केट थोड़ा सा तोड़ा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर नेक्स्ट टाइम जब तोड़ा है मार्केट तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी एक अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे 34270 से यहाँ पे 100 पॉइंट करीब करीब और मूवमेंट दिया है, 345-350 के आसपास मार्केट यहाँ पे गया हुआ है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में और भी मजा आएगा आपको देखने में, और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब देखो 1 मिनट में इतना सारा कैंडल हमको देखने को मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कैंडल को सेट कर लेता हूँ सही से, फिर आपको लेकर के चलता हूँ 9:15 वाले टाइम पे, और वहाँ पे परफेक्ट तरीके से आपको बताऊंगा चीज़ें, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार 9:15 वाले टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ, ओके।
यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 9:15 वाले टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, ठीक है। 9:15 हो रहा है, एक मिनट का कैंडल है ये। आप इसके विक देखो कहाँ पे है विक, ठीक है, एकदम नीचे की तरफ है और एकदम ये ग्रीन कैंडल है। दूसरा कैंडल भी हमको ग्रीन बनता हुआ मिला है, जो कि मिला है सेकेंड वाला कैंडल, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, मतलब मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम और करता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको कैंडल सही से देखें दिखें और समझ में आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इस जगह पे आया मार्केट, ओके। सो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा कैंडल को बड़ा किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्केट आप देख सकते हो जैसे ही खुला, इसका जो कैंडल का विग है वो कितना नीचे है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोज जो दिया है, मतलब ये जो कैंडल क्लोज हुआ है ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, ग्रीन में क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन का बना। उसके बाद में जैसे ये रेजिस्टेंस जोन था, जैसे मैंने आपको बताया ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जो जोन था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास में आकर के एक रेड कैंडल बना है। आप देख सकते हो एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ट्रेड को लेना नहीं है, जैसे इसको क्रॉस कर दे, कंफर्मेशन दे, वहां पे हम ट्रेड को लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक वापस से ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल बना है, लेकिन जो ग्रीन कैंडल का हाई था उसको यहां पे हमारा जो एक वापस से ग्रीन कैंडल बन रहा है वो उसको तोड़ रहा है। आप देख सकते हो हाई को यहां पे तोड़ दिया, तो हमको यहां पे कंफर्मेशन एक तरह से मिल गया है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ अब जाएगा, तो हम यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो यहां पे एसएल रहेगा वो यहां पे 30 पॉइंट के अराउंड रहेगा। आप देख सकते हो इतना सा सिर्फ हमारा एसएल रहेगा, ये कैंडल के पास में हम लेंगे ट्रेड और 30 पॉइंट का करीब करीब हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो मूवमेंट किस तरह से हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर हाई की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगभग हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था आपको मैं बता दूं अगर, तो 850-870 के आसपास हमने ट्रेड लिया। वहाँ से फिर मार्केट कहाँ तक गया, ये हाई तक गया, मतलब 950 तक, 100 पॉइंट का मूवमेंट डायरेक्टली हमको देखने को मिला। फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, हमको पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है, 830 के आसपास है। मार्केट यहाँ तक आया नीचे, ठीक है। उसके बाद में वापस से मार्केट जो है वो वापस से अपने हाई की तरफ गया 950 की तरफ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है और इस जगह पे आप देख सकते हो मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, 34010 के आसपास का हम पकड़ सकते हैं। तो इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट आप देख सकते हो बार बार देखो यहाँ तक गया। उसके बाद पुराना चार्ट भी देखोगे ना तो कई बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ आ रहा था थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कर रहा था, थोड़ा थोड़ा रुक रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल दिया 970 का, 970 से लेकर के 34010 का। और आप देख सकते हो जैसे ही 34010 को क्रॉस करता है मार्केट, वापस से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल लेकर के मार्केट 34150 के आसपास तक चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे देखो और भी अलग अलग कैंडल मिल रहे हैं। अब ये जो जगह है ना, इस जगह पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको पीवेट कुछ भी बता नहीं रहा, पीवेट देखो कितना दूर है, यहाँ 273 के आसपास है और नीचे में कहाँ पे है ये 830 के आसपास है। तो ये रेंज में पीवेट यहाँ पे बता नहीं रहा है कुछ, तो ये रेंज को आप देख सकते हो, ये रेंज को आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से। जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था ना ड्रॉ करने वाला, वो वीडियो का मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो कि किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। आप इस जगह में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा, नीचे की तरफ इस जगह पे हमारा सपोर्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे ही आप देखोगे जिस तरह से हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे में सपोर्ट के सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो मार्केट कितना अच्छा नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार में आपको समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप जाकर के प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, चार्ट खोलिए 20-25-30 चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लाइव मार्केट के ऊपर में ये चीज़ों को आप देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही है, उसके बाद में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद से भी ट्रेड ले पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।